यह एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने मात्र से ही आप सुकून महसूस करेंगे और यहां के वातावरण में चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है जिसको मैं महसूस कर सकता हूं। और आज मैं भी पहुंच चुका हूं उस दिव्य धाम में और आज मुझे उस दिव्य दरबार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। यहाँ आने के लिए मैं पिछले कई सालों से प्लान कर रहा था, शायद आप लोग भी यहाँ पहले आ चुके होंगे। अगर नहीं तो आप चिंता ना करिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेके चलूंगा उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 45 मिनट की दूरी पे स्थित कैंची धाम के परम पूज्य बाबा श्री नीब करोरी महाराज के मंदिर दर्शन के लिए। इसलिए ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा जैसा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, स्टे करने का सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है, खाने पीने के लिए बेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ पे है और यहाँ पे कौन कौन से नियर बाई विजिटिंग प्लेसेस हैं जो साथ में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। जैसा कि ये ट्रिप मैंने दिल्ली से स्टार्ट की और दिल्ली शहर की लाइफ कही जाने वाली मेट्रो से मैं पहुंच गया ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मुझे यहीं से पकड़नी थी उत्तराखंड के काठगोदाम तक जाने वाली ट्रेन और रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट मुझे तत्काल में बुक करना पड़ा क्योंकि ये मेरा अनप्लान्ड ट्रिप था और जिसके लिए मुझे 1129 रुपये देने पड़े और यही थर्ड एसी का टिकट आपको जनरल में 505 रुपये का पड़ेगा। वहीं अगर आप स्लीपर से जाते हैं तो मात्र 195 रुपये में पहुंच जाएंगे आप काठगोदाम। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम थी और 9:15 पे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे पहुंच जाती है। ट्रेन के डिब्बे में चारों तरफ लोग अपनी सीटों पे सफ़ेद चद्दर ओढ़े सोए पड़े थे और यहां का माहौल काफ़ी डरावना लग रहा था और ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई हॉरर मूवी का सीन हो। लगभग 10:05 पे वहां से आगे के लिए रवाना हो जाती है। मैं अब करता भी क्या, ना कोई बात करने वाला ना ही कुछ दिखाने का था। मैं भी थोड़ा चिप्स खा के और रेल नीर ब्रांड वाला पानी पी के वही सफ़ेद चद्दर ओढ़ के सो गया और सुबह 4:25 के करीब ट्रेन हल्द्वानी स्टेशन पे पहुंच जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे उतर के शेयरिंग टैक्सी बस स्कूटी लेके कैंची धाम जा सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी मैं पहुंच चुका हूँ और सुबह लगभग 5:25 पे मैं भी काठगोदाम स्टेशन पे पहुंच गया। स्टेशन से बाहर निकल के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया हूँ। यहाँ से ऊंचे पर्वत और उनपे धुंध काफी साफ दिखाई दे रही थी। वैसे मुझे हिल सिकनेस है लेकिन मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है। आपने देखा होगा मेरी ज्यादातर वीडियोस पहाड़ों की हैं और यहाँ बारिश के कारण मौसम और भी सुहाना हो गया था। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी स्टैंड दिखेगा, आप वहाँ से प्राइवेट शेयरिंग टैक्सी अपने गंतव्य स्थान के लिए ले सकते हैं। तो भाई 200 में शेयरिंग टैक्सी कैची धाम के लिए मिल रही। स्टेशन से निकलते ही लगभग 50 कदम पे मुझे शेयरिंग टैक्सी मिल गई। फिर क्या था, मैंने भी मौका देख के ऑल्टो के आगे वाली सीट पे कब्जा कर लिया और वहाँ के खूबसूरत दृश्य को कैप्चर करते हुए मैं आगे बढ़ चला। जैसा कि बारिश के सीजन में पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी और ये रोड भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था। बस बाबा को याद करते करते इन एडवेंचरस रास्तों, हरे भरे पर्वतों और धुंध से भरी खूबसूरत घाटियों को देखते हुए मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। यह वही रास्ता है जो नैनीताल के लिए जाता है, लेकिन कैंची धाम जाने के लिए आपको भीमताल वाले रास्ते जो कि आगे थोड़ी दूर पे राइट साइड के लिए कटता है उस पे जाना होता है और कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं भीमताल। वहां हम बिना रुके कैंची धाम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये है भवाली और यहाँ से आपको सब जगह के लिए टैक्सी बसेस मिल जाती हैं। अगर आपको कैंची धाम मुक्तेश्वर के लिए डायरेक्ट बसें नहीं मिलती हैं तो आप भवाली तक आ सकते हैं और आपको यहाँ से इजीली सभी जगह के लिए टैक्सी बस मिल जाएगी। और लगभग 7:15 पे मैं कैंची धाम पहुंच गया। यहाँ मैंने पहले ही आज के लिए ग्रीन वैली होटल में स्टे बुक कर रखा था। यहाँ आपको काफी सारे होम स्टे और होटल मिल जाएंगे
जिनका किराया लगभग 1000 से लेके 2000 तक रहता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन और यहां आके ही होटल को बुक करें और वो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। धाम और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और नज़ारे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। पूरा धुआं हो रखा है। लगभग सुबह के 8:30 बजे ही मुझे रूम मिल गया, जबकि चेकिंग टाइम 11 बजे का था, और नहा धो के कपड़े बदल के मैं मंदिर के लिए निकल गया। तो फ्रेश होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। वैसे होटल वालों ने बताया है कि मंदिर में कैमरा और इवन फोन तक अलाउड नहीं है। मैं जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर स्थित है और जहां से मैं इजिली वॉक करके पहुंच गया। आप अपने व्हीकल से भी यहां आ सकते हैं और यहां पे 3 बड़ी पार्किंग भी है और कार वालों के लिए 100 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। जैसा कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मंदिर काफी खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है, जहां एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ बहती हुई नदी, और यहां पे मंदिर की घंटियों और नदी के बहने की आवाज से कोई भी मनमुग्ध हो जाएगा। यह है मंदिर का मेन गेट, एंट्री गेट। तो चलिए तब तक आप खूबसूरत दृश्य का आनंद लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद है मंदिर और मंदिर के आसपास का दृश्य आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर रियली में आपको अच्छा लगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि मंदिर के अंदर महादेव, भगवान राम, हनुमान जी महाराज और पूज्य नीम करोरी बाबा जी की प्रतिमा है और मंदिर परिसर में ही माता शक्ति की समाधि है, आप वहां आशीर्वाद जरूर लें। यहां बैठ के आप पाठ कर सकते हैं और ध्यान भी लगा सकते हैं। आप विश्वास करिए, आपको काफी सुकून मिलेगा। दर्शन करने के बाद मैं वहां पे एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गया। तो दोस्तों, दर्शन कर लिया मैंने, अच्छी तरह दर्शन हुआ है और इस समय मैं हूं रेस्टोरेंट में। अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो आप दर्शन करने के बाद ब्रेकफास्ट। यहां आपको खाने पीने के लिए काफी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और खरीदारी के लिए दुकानें भी मिल जाएंगी। नाश्ते में ये खा रहा हूँ, आलू के पराठे। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे SBI का ATM भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यहाँ से कैश निकाल सकते हैं। वैसे सारा काम फोन पे से होता है, तो फोन पे और जीपे। नीप करोरी बाबा के मंदिर से थोड़ा ही आगे आपको साईनाथ जी का मंदिर भी मिलेगा और मंदिर के बगल से ही नदी के उस पार जाने के लिए ये पुल है और आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य कितना खूबसूरत है। कुछ लोग तो यहाँ पे नहा भी रहे हैं और यहाँ पे खूबसूरती से बहती हुई नदी, किनारे पे पर्वत और उसके ऊपर जंगल, और उनसे गुजरती टकराती हुई धुंध का मेस्मराइजिंग दृश्य मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। रियली में ये काफी खूबसूरत जगह है। और मंदिर में शाम की आरती के बाद चाय पीने में रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच गया और अब धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था और अंधेरा होते होते मैं अपने स्टे में पहुंच गया। जैसा कि आज का दिन मेरा काफी अच्छा गुजरा और कल मुझे जाना है मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर महादेव की ये मेरी दूसरी यात्रा होगी। मुक्तेश्वर की पहली वीडियो को आप सभी ने काफी प्यार दिया और वो वायरल हो गई और आप सभी के काफी अच्छे कॉमेंट्स, फीडबैक भी मिले। अगर आप पहले वाली मुक्तेश्वर महादेव की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में और सफर करूंगा कैंची धाम से मुक्तेश्वर महादेव के लिए, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।